فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما جزاك الله خير محترم حضرات اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فضیلۃ الشیخ سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور اپنا خطاب پیش کریں آپ کا موضوع ہے فضائل قرآن مجید الحمد لله الذي فضل شهر رمضان وفرض صيامه على أهل الإسلام والإيمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ الميزان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب كل شيء ومليكه وهو المعبود المستعان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإرفان أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ستيج پر تشریف فرما علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں ملت اسلامی کے نوجوان ساتھیوں آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع آو قرآن کے حامل و عامل بنے معزز سامعین قرآن رب العالمین کا کلام ہے جو اشرف الکتب ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف الانبیاء والرسل میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اشرف الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اشرف الارض مکے میں اشرف الشہور رمضان کے مہینے میں اشرف اللیالی لیلۃ القدر میں اشرف الساعات اس کی مبارک گھڑیوں میں نازل فرمایا اور قرآن
बहुत अजीम किताब है। कई जगह खुद कुरान अपनी अजमत का सबूत देते हुए यह हमें बताता है कि वो कितना अजीम है। चुनांचे इरशाद है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, बल्कि ये कुरान बड़ी शान वाला है, लौह महफूज में लिखा हुआ है। अल्लाह ने इस किताब के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, लौ अंजलना हादल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से वो पस्त होकर रेजा रेजा हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि लोग गौर फिक्र करें। जी हां मुअज्जज़ सामईन, इस किताब से अक़वाम की तकदीरें जो है जुड़ी हुई हैं। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताब अक़वामन व यदअ बिही आखरीन, यकीनन अल्लाह सुबहानहु तआला इस किताब यानी कुरान के जरिए कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाएगा और कुछ लोगों को अल्लाह उसके सबब पस्ती का पस्ती में गिराएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमें अगर मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारनी है तो कुरान को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। शायर कहता है, गर्मी तू खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़ब कुरान जीस्तन। अगर तुम मुसलमान की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो कुरान करीम को जिंदगी का हिस्सा बनाए बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान हुवा कलामुल्लाह अल मुअज़्ज़ज़, के कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो अपनी जात में मौजज़ा है। अंबिया को अल्लाह ने कई सारे मौजज़े अता फरमाए और उनके साथ साथ वो मौजज़े खत्म हो गए, लेकिन ता कयामत तक बाकी रहने वाला अकेला मौजज़ा कुरान है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, और कुरान हर लिहाज से मौजज़ा है, जुबानी एतबार से भी मौजज़ा है। चुनांचे अल्लाह सुबहाना हो ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, قل لو كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। ये जो कुरान का चैलेंज है शुरू जमाने से लेकर आज तक है और आज से लेकर कयामत तक रहेगा, और अल्लाह ने बता दिया इसका मिसल तुम ला नहीं सकते, चाहे के तुम किसी को भी अपना मुआविन बना लो। चुनांचे मुअज्जज़ सामईन, कुरान हमारी किताब होना हमारे लिए काबिले फख्र है। कुरान अल मुनज़्ज़ल अला सय्यिदिना मुहम्मद बिवासितति जिब्रील, कुरान को अल्लाह सुबहाना हो ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया है। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह की किताब है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, कुरान किसके लिए नाजिल हुई है? कुरान तमाम इंसानों के लिए नाजिल की गई किताब है। चुनांचे अल्लाह सुबहानहु तआला कुरान में फरमाते हैं, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, यकीनन ये कुरान बिल्कुल सीधे राह की तालीम देता है, हिदायत देता है। मुअज्जज़ सामईन, जहां कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है वहीं कुरान तमाम इंसानों के लिए राह हिदायत है। चुनांचे हर गम का मदावा है कुरान, ईमान की हलावत है कुरान, जहनों को जिला देती है कुरान की तिलावत। मुअज्जज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वबनु अब्दिक नासियती बियदिक मादिन फिय हुक्मक अदलुन फिय कदाउक
اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته على او علمته احدا من خلقك او استأثرته في علم الغيب عندك. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وہ یہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور جو میرا حزن ہے میرا غم ہے اس کا مداوا بنا دے, جو بھی تکلیف ہے پریشانی ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. چنانچہ معزز سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو دل سے لگائیں, قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی تعلیم ہم دیں اور قرآن کے مطابق زندگی ہم گزاریں. معزز سامعین قرآن صحیفوں میں لکھا گیا ہوا لکھی گئی ہوئی کتاب ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے مذہبی جو کتابیں ہیں صرف اور صرف صحیفوں میں محفوظ ہیں, لیکن قرآن کی یہ خاصیت ہے وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. دنیا میں آج لاکھوں حفاظ کرام ہیں جو قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ حفظ کیے ہوئے ہیں. چنانچہ معزز سامعین قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے آدمی کو ثواب ملتا ہے. چنانچہ المتعبد بتلاوتی, جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے اور اس کی دعوت قرآن کئی جگہ ہمیں دیتا ہے, لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ محض تلاوت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یقیناً آپ قربان جائیں کہ آپ صرف محض تلاوت بھی کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک حرف کی بدولت آپ کو دس دس نیکیاں عنایت فرمائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں ایک شخص جو عربی نہیں جانتا, یہ وہ شخص جو حدیث الاسلام ہے جس کو عربی نہیں آتی اور عربی کے حروف کا تلفظ بڑی مشکل سے اس سے ادا ہو پاتا ہے, وہ عربی قاعدہ سیکھتا ہے, عالم کے پاس جاتا ہے, حافظ جی کے پاس جاتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ ساری محنت وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پورا یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو پوری عقیدت مندی ہے قرآن سے, اور یہ پورا اس کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں اس کو عطا کریں گے. چنانچہ معزز سامعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قرآن کا ماہر یعنی جو قرآن کا علم حاصل کرے, اس میں بصیرت حاصل کرے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سوارے, وہ معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعطى فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران, اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. چنانچہ معزز سامعین قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, اس چیز کی بھی جو ہے ہمیں یاد دہانی کر لینی ضروری ہے کہ قرآن ہر روایتن اور درایتن دونوں طریقے سے آپ لیں کہ قرآن الحمدللہ محفوظ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے. چنانچہ معزز سامعین ہمارے اسلاف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے منہ زبانی قرآن پڑھتے تھے, پہلے بچے بھی کتنے بوڑھے ہوتے تھے. چنانچہ معزز سامعین جہاں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہیں ہمیں قرآن کو حفظ بھی کرنا ہے. جتنی آیات ہمارے سینے میں ہوں گی اتنے ہی علم والے ہم ہوں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرما رہے ہیں. چنانچہ معزز سامعین قرآن کریم رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے, قرآن کریم علم و معرفت کا خزینہ ہے, قرآن کریم جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کی شفاء کاملہ ہے. قرآن کریم یاد رکھیں انسان کی رفعت و بلندی اور عزت و حکومت
दुनिया व आखिरत की सारी सआदतों का सिर्फ सिर्फ अकेला जामिन है। सुनाचे मुआज्जज़ सामईन, कुरान की तालीम देना, कुरान की तिलावत करना दुनिया की तमाम तर दौलतों से जो है बहुत ही अफजल है। उकमा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम अहले सुफा बैठे हुए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे मुबारक से जो है निकलकर बाहर आए और फरमाया, तुम में कौन नहीं चाहता कि वह हर रोज बुतहान और अकीक वादी के पास जाए और वहां से दो बड़े कोहान वाली ऊंटियां ले आए बगैर किसी गुनाह के इर्तिकाब के और बगैर किसी रिश्तेदारी के तोड़े। सहाबा ने कहा, हम में का हर एक तो ये जरूर चाहेगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला यगतु अहदुकुम इलल मस्जिदि फयुअल्लिमु औ यकरौ आयतैनि मिन किताबिल्लाहि खैरुल लहु मिन नाकतैन। तुम में का एक मस्जिद जाए, दो आयतें कुरान की सिखा दे या दो आयतें तिलावत कर ले, ये दो आयतें उसके लिए दो कोहान वाली ऊंटनियों से बहुत बेहतर है। बाद में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन अगर वो तिलावत कर रहा है तीन ऊंटियों से अफजल है, अगर चार तिलावत कर रहा है चार ऊंटियों से अफजल है, और ये अदद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊंटियों की तादाद भी बढ़ती जाएगी और आयात को उन ऊंटियों पर फोकियत हासिल होगी। सुनाचे मुआज्जज़ सामईन, याद रखें कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो हम अपनी औलाद को दे सकते हैं वो कुरान है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयुहिब्बु अहदकुम इदा रजा इला अहलिही अन यजद फी सलासु खलीफातिन इदामिन सिमान। कि तुम में का कोई आदमी जब अपने घर को लौटे तो वहां घर में तीन हामिला जसीम फरबा ऊंटियां अगर पाएगा तो क्या उसको खुशी नहीं होगी, क्या वो पसंद नहीं करेगा। सहाबा ने कहा, हम में का हर आदमी ये पसंद करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आयात जिनको तुम अपनी नमाजों में पढ़ते हो वो तीन आयात तीन हामिला जसीम फरबा ऊंटियों से ज्यादा बेहतर हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन, हम कई चीजों में एक दूसरे से रश्क करते हैं, हसद की हद तक भी वो रश्क पहुंच जाता है, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है कि दो शख्सों के ताल्लुक से हम हसद कर सकते हैं रश्क कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला अला इस्नैन रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار। कि अल्लाह ने एक शख्स को कुरान दिया, वो दिनों रात उस कुरान की तिलावत करते हुए कयाम में कुऊद में जो है वो गुजार रहा है, तो ऐसे आदमी के ताल्लुक से आप हसद कर सकते हैं। और एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है, वो नाफरमानी में माल जो है खर्च नहीं कर रहा है, हराम कामों में माल खर्च नहीं कर रहा है और वो फजूल खर्ची भी नहीं कर रहा है, बल्कि उस माल को अल्लाह के रास्ते में दिनों रात खर्च करने में वो मशगूल है, तो उसके ताल्लुक से भी आदमी रश्क कर सकता है। रश्क थोड़ी हल्की चीज है। हदीस में हसद का जो लफ्ज आया है, हसद एक आग होती है जो इंसान के दिल में जल रही होती है, जब तक उसको वो चीज नहीं मिल जाती तब तक वो बुझती नहीं। सुनाचे हमारे दिल में ये चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए कि हम कुरान को पूरे तरीके से हिफ्ज करें, और अगर अल्लाह सुबहानहु तआला माल से नवाजे तो अल्लाह के रास्ते में बेदरेग हम खर्च करें। मुआज्जज़ सामईन, याद रखें, किरदार की कसौटी कुरान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन जो कुरान की तिलावत करता है तो उसकी मिसाल तुरंज जैसी है, जिसकी खुशबू भी उम्दा है और जो मजे में भी जो है बहुत ही उम्दा है, और वो मुसलमान जो कुरान की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की सी है, खुशबू तो उसमें नहीं होती लेकिन मजा तो उसका अच्छा होता है, और मुनाफिक वो जो कुरान की तिलावत करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि उस फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू तो है लेकिन मजा उसका सही नहीं है, और वो मुनाफिक जो कुरान की तिलावत नहीं करता उस फल की मानिंद है जिसकी खुशबू भी सही नहीं है और जिसका मजा भी सही नहीं है। देखें किरदार की कसौटी अल्लाह सुबहाना तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी किसको करार दिया है, वो है कुरान। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान की जहां तिलावत होती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक बार कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरे पास घोड़ा भिदकने लगा, मैं कुरान की तिलावत को रोका, घोड़ा रुक गया, फिर मैंने तिलावत की, फिर भिदकने लगा। इस तरह मैं इस डर से, क्योंकि घोड़े के पास मेरा लड़का जो है लेटा हुआ था, बच्चा लेटा हुआ था, कहीं उसको रौन ना दे, कुरान की तिलावत मैंने रोकी और बच्चे को गोद लिया। जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं एक छतरी है जिसमें चमकते हुए चराग हैं। और ये सारा माजरा उन्होंने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो ये कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान से जमीन की तरफ उतर रहे थे। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान जो लोग पढ़ते हैं और कुरान की जो मजलिसें होती हैं उन पर अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है, जिसको नसीब हो गई यकीनन वो खुश नसीब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी कौम अल्लाह के घर में बैठकर कुरान की तिलावत करती है या कुरान की तालीम देती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह सुबहाना हो ताला अपने नजदीक जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके यहां इन लोगों का जिक्र फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें कुरान की कितनी बड़ी फजीलत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान से घर आबाद होते हैं। आपने कहा, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्ना शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी युक़रौ फीही सूरतुल बाक़िया सूरतुल बकरा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, वो घर जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत होती है शैतान उस घर से भाग जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, लेकिन अफसोस के साथ कहना होगा, आज हमने कुरान के साथ जो रवैया अपना रखा है हम उसको घोलकर पी जरूर रहे हैं, तावीज बनाकर लटका जरूर रहे हैं, लेकिन कुरान जिस मकसद के लिए आया है उस मकसद पर अमल नहीं कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं ताकों में कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? क्यों हम कुरान की तिलावत नहीं करते? इसलिए कि दुनिया ने दीन को भुला रखा है, मीठी नींद हमें सुला रखा है। इस दुनिया में खुशकिस्मत वही शख्स है जिसने कुरान को सीने से लगा रखा है। सुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान को अगर हमने सीने से लगाए रखा, कुरान की तिलावत की, कुरान के मुताबिक हमने अमल किया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल रोज कयामत के दिन कुरान हमारा शफी बनकर आएगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकराउल कुरान फइन्नहु याती यौमल कियामती शफीअन लिअस्हाबी। तुम कुरान पढ़ो, कल कयामत के दिन तुम्हारा सिफारिशी बनकर कुरान आएगा। और मुअज़्ज़ज़ सामईन, जन्नत के जो बुलंद दर्जात हैं उसका जामिन भी कुरान है। अल्लाह सुबहाना हो ताला साहिब कुरान से फरमाएंगे, तुम कुरान को पढ़ो उस तरह जिस तरह तुम दुनिया में तरतील करते थे, और एक एक आयत पढ़ते जाओ जन्नत के दर्जे जो है तुम चढ़ते जाओ। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, चुनांचे हमारी दुनिया व आखिरत की फलाह कामरानी सिर्फ और सिर्फ कुरान में है। अब मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ, वो ये कि कुरान में तमाम उलूम मौजूद हैं, तो कुरान में तमाम उलूम मौजूद हैं। चुनांचे शायर ने जो बात कही है वो ये, जमीउल इल्म फिल कुरान लेकिन तकासर अनु अफहाम और रिजाल, यानी कुरान में हर इल्म मौजूद है लेकिन इंसानी फहम उसकी रसाई से कासिर है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे असलाफ ने इसको बाकायदा साबित किया है कि जितने भी फायदा मंद उलूम हैं सारे के सारे उलूम का मंबा और मजदर
कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल फौजुल कबीर में कुरान के मजामिन को उन्होंने 5 किस्मों में उन्होंने जो है तकसीम किया है। उसमें से पहली जो किस्म है इल्म अहकाम। इल्म अहकाम का माना यह है कुरान हमें हुक्म देता है कि हम तौहीद को तौहीद के शेदाई बनाएं, हमारे दिल में तौहीद को बसाएं और तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमारी आखिरी सांस अगर उखड़े तो वो तौहीद पर उखड़े। तौहीद की तालीम देता है, नमाज की तालीम देता है, रोजे की तालीम देता है और इसी तरीके से वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सारे लोगों के साथ भलाई का हुक्म जो है कुरान देता है। और नवाही भी हैं। नवाही ये है कि शिर्क से तुम्हें बचना चाहिए, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, यानी इसको कहते हैं इल्म अहकाम। दूसरी जो किस्म है वो है इल्म मुखासमात, यानी हम जो हरीफ हैं यानी अहले किताब हम उसको कह सकते हैं या मुशरिक कह सकते हैं, उनसे हम किस तरह जिदाल कर सकते हैं। चुनांचे वक्त के जो 4 मशहूर मजाहिब हैं उनका जिक्र कुरान में कुरान करता है और साथ में इल्हाद का भी जिक्र कुरान करता है। ऐसे दलाइल हमें देता है जिससे हम सामने वाले की जुबान को बंद ही नहीं बल्कि उसके दिल को जीत सकते हैं। ऐसे दलाइल कुरान हमें अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाता है। तीसरी जो किस्म है वो है इल्म तज़कीर भी आला इल्लाह, अल्लाह सुबहानहु ताला के नियमतों की तज़कीर कुरान में मौजूद है। सुनांचे अल्लाह सुबहानहु ताला कुरान में फरमाते हैं अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। चुनांचे हमें जो भी नियामतें हासिल हैं वमा बिकुम मिन नियमा फमिन अल्लाह, जो भी नियामतें हासिल हैं वो अल्लाह सुबहानहु ताला की ओर से हैं। जब इन सारी नियामतों का अता करने वाला अल्लाह सुबहानहु ताला है, दौलत अल्लाह की अता की हुई है, औलाद अल्लाह की अता की हुई है, सेहत अल्लाह की अता की हुई है, जवानी अल्लाह की अता की हुई है, जिंदगी अल्लाह की अता की हुई है, जब हर चीज अल्लाह की अता की हुई है तो हमें इबादत भी किसकी बजा लाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस मुनाई में हकीकी की इबादत हमें बजा लाना चाहिए। इसी की तरफ कुरान हमें तवज्जो दिलाता है। और चौथी जो किस्म उन्होंने बताया वो है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी तारीख को कुरान दोहराता है, गुज़िस्ता अक़वाम की तारीख को हमारे आंखों के सामने रखता है और बताता है कि कोई कौम अगर उरूज को पहुंची है तो उसके असबाब क्या हैं और कोई कौम अगर जवाल का शिकार हुई है तो उसके भी असबाब क्या हैं। चुनांचे अल्लाह सुबहान तआला कुरान में फरमाते हैं लकद कान फी कससहिम इबरतुल लिउलिल अबसार, अकलमंदों के लिए इनके किस्सों में जो है जबरदस्त सबक है। चुनांचे मुअज्जज सामईन कुरान हमें दावत देता है कि किस्से को किस्से के हद तक ना रखा जाए बल्कि किस्से से सबक हासिल किया जाए और उससे जो हमारे अंदर खामियां हैं उन खामियों को दूर करके खूबियों से जो है उसको भरा जाए। और पांचवीं जो किस्म उन्होंने फरमाया है वो है इल्म तज़कीर बिल मौत वमा बादल मौत। कुरान मौत की तलकीन करता है, मौत की याद दिहानी करता है कि मौत जरूर आकर रहेगी। तुम वो मौत जिससे तुम भागते हो, तुम जहां कहीं भी चले जाओ, कितने ही मजबूत किले में अपने आप को तुम बंद क्यों ना कर लो, लेकिन मौत है वो जरूर तुम्हें आ दबोचेगी। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत के बाद जिंदगी है, बरज़खी जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, कब्र के सवाल और जवाब हैं, महशर है, महशर में हिसाब है, मीजान है, पुलसिरात है और इस तरीके से जन्नत, जन्नत की नेमतें, दोजख, दोजख के अजाब, सारी चीजों को खोल खोल कर कुरान हमारे सामने पेश करता है। मुअज्जज सामईन याद रखें कि हाथों से अपने दामन कुरान छोड़ा हम जिस तरफ भी गए परेशान हो गए। आज इतनी अजीम किताब होने के बावजूद क्यों हम परेशान हैं, क्यों हमारे मसाइल हल नहीं होते, उसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पीछे डाल दिया है। जितना अकीदतमंदी हम अपनी बातों तकरीरों से जो है कुरान के ताल्लुक से हम बताते हैं
उतनी अकीदतमंदी हमारे दिल में नहीं है और उतनी अकीदतमंदी हमारे अमल में नजर नहीं आती है। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने काही खूब कहा, वो मुअज्जज से जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। मुअज्जज सामईन, हमें बिल्कुल तसल्ली के साथ आप सोचें, ठंडे दिल के साथ आप सोचें, तारीख कुरान हमें नहीं बनना है, हमें हामिल कुरान बनना है और हमें आमिल कुरान बनना है। और कुरान की जो अजीम दावत है, इस दावत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अज़्म भी हमें करना है। और रमजान का महीना आपको मालूम है, कुरान का महीना है और आखिरी जो अशरा है, आखिरी अशरे को जो फजीलत हासिल है वह कुरान की वजह से है। लैलतुल कद्र को जो फजीलत हासिल है वह कुरान की वजह से है। चुनांचे मुअज्जज़ सामईन, कुरान के हुकूक को हमें जानना चाहिए, कुरान के पैगाम को हमें समझना चाहिए, कुरान की एक एक तालीम को खुद हम अपनाते हुए दूसरों तक इसका पैगाम हमें पहुंचाना चाहिए। चुनांचे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ताल्लुक से आता है कि वो 10 आयतें पढ़ते और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ते थे। चुनांचे हमें भी उनका ऐसे वह अपनाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा जो है कुरान के मुताबिक हमारी जिंदगी को हम संवारने की कोशिश करें और लोगों को ये पैगाम दें जो मुसलमान नहीं है, जो यह समझते हैं कि कुरान मुसलमानों की किताब है, उन तक ये पैगाम हमें देना जरूरी है कि एक कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतरा है बल्कि सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने इस कुरान को उतारा है। चुनांचे अल्लाह सुभान व तआला कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे रब की तरफ से ये नसीहत तुम तक आ चुकी है। चुनांचे मुअज्जज़ सामईन, जहां हमें कुरान से खुद नसीहत हासिल करना है, खुद को जहां संवारना है, वहीं इसके पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने का अज़्म भी हमें रखना है। अल्लाह सुबहाना ताला की जात से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताला जो भी बातें कही गई हैं और सुनी गई हैं उन बातों पर अमल करने की सबसे पहले कहने वाले मुझको और सुनने वाले आपको हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए। जो बात मैंने कही उसमें हक है तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है, और अगर कुछ गलत बातिल है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिससे मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुम अल्लाहु खैर। मोहतरम हज़रात, ये थे जनाब शेख सैयद अब्दुस्सलाम उमरी हफ़िज़हुल्लाह, जो आपके सामने क़ुरान मजीद की फ़ज़ीलत आपके सामने बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हकीकत यही है जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब के वजह से लोगों को इज़्ज़त का मकाम अता करता है, और इसी किताब के वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जलील और रुस्वा कर देता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल का शेर आपके सामने अभी शेख साहब ने पढ़ा कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। कुरान को हमने जब तक पकड़ा रखा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की हुकूमत हमारे सामने डाल दी, और जिस दिन हमने कुरान को छोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत और रुसवाई का ऐसा मार मारा है कि हम उस मार से वापस आ नहीं पा रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और तमाम मुसलमानों को दोबारा कुरान की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए और इस किताब को अपनी